आज फिर से एक नई शुरुआत रॉ चैलेंज सीजन 2 की हुई। सभी को हमेशा की तरह रावल इंटरनेशनल स्कूल में वेलकम किया गया, बिना यह बताए कि उन्हें आगे किधर जाना है। सभी स्कूल्स ने अपनी नई नई टीम्स बना ली हैं और नए जोश के साथ बनाई हैं। हालांकि देखना यह है कि इस बार कौन सी टीम रॉ चैलेंज का खिताब जीत कर जाती है। सभी टीमों को अरावली की पहाड़ियों में बुलाया गया, जहां पर रॉ चैलेंज के ऑफिशियल्स प्रो चेयरमैन के साथ सबका स्वागत करने के लिए पहले से ही मौजूद हैं। सबका वेलकम प्रो चेयरमैन मिस्टर अनिल रावल ने किया और पिछले साल के विनर्स की याद भी दिलाई। हां जी, पिछली बार फर्स्ट पोजीशन पर रावल इंटरनेशनल, सेकंड पर रावल पब्लिक स्कूल, थर्ड पर RBSR और फोर्थ पोजिशन मिली RCS यानी रावल कॉन्वेंट स्कूल को। और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि इस साल का सीजन पिछले साल के सीजन से ज्यादा कठिन, ज्यादा मुश्किल होने वाला है और इस बार रॉ चैलेंज जिम कॉर्बेट की ओर जाएगा। लेकिन यहां कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। इस बार सभी टीम को जिम कॉर्बेट जाने का मौका नहीं मिलेगा, केवल डिजर्विंग टीम्स ही जिम कॉर्बेट जाएंगी और एक टीम तो आज ही स्क्रैच हो जाएगी, जो सीधा अपने घर जाएगी। जो भी टीम आज के इवेंट्स में सबसे पीछे आएगी यानी कि फोर्थ रैंक पर आएगी, वह यहीं से सीधा अपने घर की ओर चली जाएगी और बाकी की सभी टीम्स जिम कॉर्बेट के लिए रवाना हो जाएंगी। आज के इवेंट्स की शुरुआत वहीं से हुई है जहां से पिछले साल खत्म हुई थी। इस इवेंट में सभी टीम और टीम लीडर्स को सभी प्लेयर्स के साथ भाग लेना था। यह एक 5 किलोमीटर टफ रेस थी जो कि पहाड़ों से होकर जाती थी। सभी के मार्क्स ऐड होने थे, जैसे DP इसके फर्स्ट पोजीशन पर 8, सेकंड पर 6, थर्ड पर 4 और फोर्थ पोजीशन आने पर 2 मार्क्स। इसी प्रकार से बॉयज के और गर्ल्स के भी मार्क्स पोजीशन के अनुसार टीम में ऐड होने हैं। रेस की शुरुआत प्रो चेयरमैन अनिल रावल सर के क्लैप के साथ शुरू होती है। टीम्स को सीजन 2 का एहसास अभी से होने लगा है। जब शुरुआत ऐसी है तो आगे आगे ना जाने क्या होगा। भाई, ये रॉ चैलेंज का सीजन 2 है, आसान नहीं होगा। सभी टीम्स ने पूरी लगन के साथ शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे कई प्लेयर पीछे होने लगे। पहाड़ पर चढ़ते हुए तो मानो काफी उलटफेर हो गया। आखिरकार सभी टीम्स विनिंग लाइन तक पहुंच गईं। वहां पर हमारे ऑफिशियल मिस्टर जयंत सर ने सभी की रैंक्स पढ़कर बताई। उसका फाइनल में स्कोर बता रहा हूं आपको, पहले DP's का बता रहा हूं आपको। RIS को मिले हैं 8 पॉइंट, RCS को मिले हैं 6 पॉइंट, BSK को मिले हैं 4 पॉइंट और RPS को मिले हैं 2 पॉइंट। क्लियर, आप लोग भी कर लेना अपने पास, सभी के पास में है। आगे है बॉयज का रनिंग का, ओनली 4 बॉयज। रावल इंटरनेशनल स्कूल को मिले हैं 26, 26 पॉइंट। रावल कॉन्वेंट स्कूल को मिले हैं 15 पॉइंट, 15 पॉइंट। रावल BSK 18 पॉइंट, रावल पब्लिक स्कूल 19 पॉइंट। अब है रनिंग गर्ल्स का, जो पॉइंट आपको मिले हैं, रावल इंटरनेशनल स्कूल 14 पॉइंट,
रावल कॉन्वेंट स्कूल 5 points, रावल बीएसके 12 points, रावल पब्लिक स्कूल 5 points। इस इवेंट का मैं आपको स्कूल वाइज टोटल पॉइंट्स बता देता हूँ, स्कूल वाइज इस रनिंग इवेंट्स का। जो इस वक्त आप लोग जहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आरआईस टोटल 48 points, आरसीएस 26 points, रावल बीएसके 34 points, रावल पब्लिक स्कूल 26 points। इस इवेंट में रावल पब्लिक स्कूल और रावल कॉन्वेंट स्कूल में टाई है। अब टाई ब्रेक कौन करता है? इक्वल पॉइंट है दोनों के, इक्वल पॉइंट है 26-26। और रावल इंटरनेशनल स्कूल बहुत ज्यादा खुश ना हो, उनके लिए हम बैठे हुए हम पूरे एफर्ट करेंगे कि आपको लास्ट तक हम वो फाइट दे सकें। सभी के अंकों को जोड़ने के बाद स्थिति कुछ इस प्रकार बनी कि आरआईएस को मिले 40 अंक, आरसीएस को मिले 26 अंक, आरबीएसके को मिले 34 अंक, आरपीएस को 26 अंक के साथ संतुष्टि करनी पड़ी। सभी टीम्स वापस उसी जोश के साथ आगे जाने लगी। वापस आने के बाद एक और इवेंट सभी का इंतजार कर रहा था, जिसका ट्रायल ऑफिशियल्स ने सबसे पहले करके देखा। इस इवेंट में 4 corners पर एक एक फ्लैग लगा हुआ था। गेम बड़ा सिंपल था, सभी स्कूल से एक बॉय और एक गर्ल और एक डीपी को पार्टिसिपेट करना था स्क्वायर प्लेग्राउंड में। सबसे पहले बॉयज की टर्न थी। इसमें 4 players को सेंटर में एक रस्सी पकड़ाई गई। जो भी इस रस्सी को लेकर सबसे पहले फ्लैग को उठा लेगा वो जीत जाएगा। बॉयज ने गेम शुरू किया। जो गेम इतना सिंपल दिख रहा था वो इतना मुश्किल निकलेगा, यह बात तो किसी ने सोची भी नहीं थी। प्लेयर्स ने तो अपनी पूरी जान लगाकर इसे जीतने का प्रयास किया। एक समय यह भी आ गया कि सब थक कर बैठ गए, लेकिन कोई भी हारने या छोड़ने को तैयार नहीं था।
बस लगा भाई, जल्दी लगाओ। संदीप राजा, संदीप काफी देर के बाद इस इवेंट का नतीजा निकल पाया और इसी तरह गर्ल्स इवेंट में भी काफी समय लगा। इस इवेंट के नतीजे कुछ इस प्रकार आए। RIS को मिले 18 अंक, RCS को मिले 16 अंक, BSK को 14 और RPS को 12 अंकों के साथ संतुष्टि करनी पड़ी। अब समय था दिन के आखिरी इवेंट का। यह इवेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। हर टीम से एक गर्ल और दो बॉयज को पार्टिसिपेट करना था। शुरू में गर्ल्स को एक बॉक्स तोड़कर उसमें से एक की निकालनी थी और उसके बाद आगे उस की से चार टायर में से किसी एक को खोलकर अपनी टीम के बॉय को देना था। वो प्लेयर उस टायर को पलटते हुए अपने अगले साथी तक पहुंचाता। जैसे ही टायर उस प्लेयर तक पहुंचता, उसको फिनिश पॉइंट तक दौड़ना था, लेकिन अपने ऊपर लदे 10 किलो के वजन के साथ।
प्रेम वहीं चले वहीं चले वहीं चले चल उमेश भाग ना है वो अरे ही करवाओ ताली ले जो हमारे आज तीन इवेंट हुए हैं बहुत अच्छे इवेंट हुए हैं सभी को अच्छा लगा पसंद आए बहुत अच्छे फील आया नहीं आने वाले इवेंट भी हो सकता है इससे बड़े हों तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना रहेगा ठीक है स्टार्टिंग ये थी क्लोजिंग क्या होगी याद रखना माइंड में रखना ठीक है अभी आपको सर जो हमारे यहाँ टोटल इवेंट हुए हैं उनका पूरा रिजल्ट अभी सर बताएंगे आप सर जो ये इवेंट हुआ है रिले इवेंट हुआ है उसमें RIS के 20 मार्क्स बड़ा RIS 20 पॉइंट्स RCS के 15 पॉइंट्स वेरी गुड रावल BSK के 10 पॉइंट्स रावल पब्लिक स्कूल के 0 पॉइंट क्योंकि आपने रेस कंप्लीट नहीं करी इतना आप अपने एटीट्यूड में आज ही लेसन लर्न करके जाइएगा कोई भी रेस हो आपको कंप्लीट करनी चाहिए आपने बीच में छोड़ दिया वो ठीक नहीं है इसलिए आपने 5 अंक खो दिए अपने अगर आप लोग रेस पूरी कर लेते आपको 5 अंक तो मिलते लास्ट वाले ठीक है अब जो आज का टोटल अपना जो जिस पोर्शन पे है डे वन का RIS 86 मार्क्स से पॉइंट से लीड कर रावल BSK 58 पॉइंट से लीड कर रहा है रावल कॉन्वेंट स्कूल 57 पॉइंट से लीड कर रहा है एक पॉइंट का फर्क है आप दोनों रावल पब्लिक स्कूल 38 पॉइंट्स सॉरी टू से अब रावल पब्लिक स्कूल मींस नहीं जा पाएगा वहां पर जिम कॉर्बेट ठीक है ना हम तीन स्कूल हम वहां पर जा रहे हैं अब ठीक है नेक्स्ट ईयर ट्राई करो नेक्स्ट ईयर अपना वो करो ठीक है ना बेस्ट एफर्ट करो ठीक है आज के दिन के इवेंट्स को टोटल करने के बाद टीम RPS को यहीं पर स्क्रैच कर दिया गया